Hello and welcome back, my dear friends, to KS Educational. And today we are going to discuss on the topic of SBI Clerk Pre. आप लोगों का SBI Clerk Pre का exam चल रहा है और बहुत जल्द आपके सामने mains का exam होगा. And bit important topic today that you have to focus because the mains exam is very nearer to you. And how you are going to focus for your mains examination, was the topic you have to focus, and was the likely cutoff for your SBI clerk pre for each and every state. Today we are going to discuss on this topic, right? तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि 22nd of Feb से लेके 8th of March तक, 8th of March तक जो आपका pre का exam चल रहा है, ये बहुत important role play करेगा. क्योंकि देखिए, SBI का जो आपका vacancies आ रहा है वो इस साल, आने वाले साल में भी इसी तरीके से रहेगा. लेकिन आपको कैसे selection लेना है और क्या आपका इस बार का cutoff होगा, आपको कैसे perform करना है, आज जो आपका exam हुआ वो किस तरीके से हुआ, क्या level था उसका, इन सभी चीजों पे analysis करेंगे, right? एक और important है कि जो आपके सामने प्री का एग्जाम है, जो आपका लास्ट होगा वो 8th ऑफ मार्च के बाद आपका 19th ऑफ अप्रैल को जो मेंस होगा, इसमें अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा जाए, ड्यूरेशन ऑफ डेज देखा जाए, तो बहुत कम है. मतलब आपका प्रिपरेशन अभी से मेंस लेवल का होना चाहिए, राइट? अब एक बात देखिए कि जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जो पोल मैंने कराया आप लोगों से, वहां पर जो मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिल रहा है, राइट, उससे ये साफ पता चलता है कि जो आपका लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था एंड नॉट इन दी हाई लेवल. सो आपका अटेम्प्ट भी काफी अच्छा है, आपका एक्यूरेसी भी काफी अच्छा मुझे रिव्यू मिला, 98 to 100% का एक्यूरेसी था. तो अब देखना यह है कि दैट वी हैव सीन दैट यू गाइज यू नो ऑलरेडी आपने अपना 100% दे दिया है और जो आपका अटेम्प्ट है वो 70 से अबव है. मतलब आपका एवरेज अटेम्प्ट अगर मैं देखूं तो हर एक किसी का अबव 70 है. मतलब 70 आप लोगों, 70 to 75, दिस इज द एवरेज अटेम्प्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क प्री. अब एक यहां पे मैटर ये करता है कि आपने एसबीआई क्लर्क प्री किस स्टेट से दिया है, वो वेरीज करेगा उस स्टेट पे, वेरीज करता है वैकेंसीज पे, और फिर बाद में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस पर भी, उसका भी इंपैक्ट उस पर पड़ता है, राइट? अब इन सभी चीजों को आज अगर हम लोग देखें और एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि क्या आपका इस बार कट ऑफ जाएगा एसबीआई क्लर्क प्री और आपका मेंस में क्या, जो मेंस में जो आपका रिजल्ट आने का है वो फाइनली डिपेंड करता है कि आपने प्री कैसे दिया, आपका प्री किस तरीके से क्लियर हो रहा है, आपका फाइनल प्रिपरेशन क्या है, राइट? और जो मैं एक आप लोगों का देखा कि जो अटेम्प्ट दिख रहा है वो अबव 70 में पोलिंग ज्यादा हो रहा है, इसका साफ रीजन ये होता है दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू गाइस, कि आप लोग एक सक्सेस के उस स्टेप तक आ गए हो जहां पर आप लोगों का बहुत जरूरत था आना. अब एक चीज और है कि आप, ये भी फैक्टर रहता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई किए हैं, किस स्टेट से आप अप्लाई किए, ये फैक्टर तब मैटर करता है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है. जिस स्टेट का कम जाता है वो ऑब्वियसली कम जाएगा, जिस स्टेट का जिस तरीके से जाता है वो वही रहेगा, क्योंकि माइंडसेट होता है माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट बनता है यहां पर. अब लास्ट टाइम जैसे आपने देखा कि यूपी में प्री का जो कट ऑफ था वो 70 अबव था, 73 अराउंड था, राइट? तो जो अब का कट ऑफ है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे इंपैक्ट करेगा. नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर आपको पता था कि 8593 था और इस बार आपका 7870 का वैकेंसीज है, जो जनरल मतलब एक जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जितना भी वैकेंसीज है, बैकलॉग को नहीं देखा जाए तो वो 7870 का है. अब आप देख रहे हो यहां पर कि आपका वैकेंसीज भी कम हो गया है. अब हम लोग स्टेट वाइज कटअप पे भी बात करते हैं कि क्या आपका स्टेट वाइज कटअप रहेगा हर एक स्टेट का. अब एक बात आपको दिमाग में यह रखना है यहां पर दैट आप लोगों का जो एक्यूरेसी है वो आने वाले जो टाइम में 8th ऑफ मार्च तक आपका एग्जाम है, तो इसमें एक्यूरेसी को मेंटेन करना है. नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर होता है कि फर्स्ट डे में आपका थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है और धीरे धीरे ये क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज किया जाता है. मतलब
फाइनली जब आप 8th ऑफ मार्च तक जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन स्लाइट टिपिकल रहेगा, स्लाइट क्रिटिकल रहेगा और कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप लोगों को वो थोड़ा दिमाग में रखना, और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन हो सके वो जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि इंग्लिश आप लोगों को थोड़ा स्कोर करना होगा, बिकॉज 23 to 25 अटेम्प्ट इज वेरी गुड अटेम्प्ट, अगर आपका 20 एबव हो रहा है तो भी अच्छा है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं स्लाइड पे और बात करते हैं कि हर एक स्टेट का क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार और क्या जाने का उम्मीद है, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो सीधा मेंस के लिए स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कट ऑफ आपका क्लियर होता है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, और मेंस देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है एंड आफ्टर दैट आपका लैंग्वेज एलपीटी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आप उसके लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं अब स्लाइड पे कि हर एक स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगा। अब कट ऑफ बस वैकेंसीज से डिपेंड नहीं किया जा सकता है, ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कट ऑफ बहुत चीजों पे डिपेंड होता है। आप लोगों का जो पोल किया है, आप लोगों ने जो मैसेज किया, आप लोगों के थ्रू ही ये पता चलता है कि कट ऑफ क्या होगा। दो तीन और फैक्टर होता है कि हर एक स्टेट में पहले क्या वैकेंसीज था, इस बार क्या वैकेंसीज है, नंबर ऑफ जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो क्या हैं, राइट, उन लोगों ने कितना अटेम्प्ट लिया और उन लोगों ने क्या एक्यूरेसी मेंटेन किया, और फाइनली नॉर्मलाइजेशन ये इंपैक्ट करता है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्टर्स को रखते हुए हर एक स्टेट का क्या अटेम्प्ट होगा, हर एक स्टेट में क्या आपका प्री का कट ऑफ जाएगा, चलिए इस पर डायरेक्टली बात करते हैं। चलिए देखिए कि क्या आपका लाइकली कट ऑफ रहेगा स्टेट वाइज आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में, राइट। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के लिए, तो यूपी का कट ऑफ इस बार लगभग आपका 71 जाएगा, 71 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो बूस्ट अप कीजिए अपने आप को और मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए। 71 इज एनफ फॉर यूपी, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए आपका कट ऑफ इस बार का 74 अप्रॉक्स जाएगा, 74 अप्रॉक्स से ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही होने का और चांस है यहाँ पर। एंड अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपका 56 अराउंड कट ऑफ जाएगा, 56 फॉर छत्तीसगढ़। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कट ऑफ हर हमेशा ज़्यादा जाता है, और इसका रीज़न भी है कि वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं और वैकेंसीज भी कम होता है। तो इस बार बिहार का कट ऑफ आपका 75 के अराउंड रहेगा, 75 से कम होने का चांसेस है। अब अगर झारखंड की बात करें तो आपको पता है झारखंड में कभी कट ऑफ ज़्यादा होता है, कभी कट ऑफ कम हो जाता है, राइट। तो डिपेंड करता है वहाँ का वैकेंसीज, आप देखते होंगे कि कभी कम और कभी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ जो अपीयर्ड कैंडिडेट होते हैं उस पर भी डिफरेंस रहता है। लेकिन इस बार झारखंड का कट ऑफ जो आपका रहेगा 72 और 73 ऐसा जाएगा। अगर असम की बात करें तो असम आपका एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपका जैसा झारखंड में होता है वैसा ही कट ऑफ यहां पे जाता है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत आपका झारखंड बिहार से भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, और यहां का कट ऑफ जो इस बार जाएगा वो 55-56 ऐसा रहेगा। अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहां पे आपका कट ऑफ हर हमेशा बहुत अच्छा रहता है, स्कोरिंग होता है और इजीली यहां से लड़के क्वालिफाई भी करते हैं, और यहां का कट ऑफ अराउंड आपका 61 रहेगा, राइट। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 72 के आसपास जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर तो यहां पे आपका 79 से 80 भी जाने का चांसेस है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कर्नाटका तो कर्नाटका में जो आपका वैकेंसीज है उसके अनुसार इस बार का कट ऑफ 50 प्लस रहेगा और 55 से नीचे रहेगा, मतलब 52-53 के अराउंड जाने का चांसेस है। केरला में आपका जो कट ऑफ इस बार का जाने का चांसेस है वो 77 के आसपास है, 77 के अराउंड आपका केरला में जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट उड़ीसा तो उड़ीसा में आपका कट ऑफ 71 से 71.25 से 50 तक भी जाने का चांसेस है। और अगर आप बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आपका इस बार का कट ऑफ 70.5 से 71 तक जाने का चांसेस है। चंडीगढ़ में बात करें तो चंडीगढ़ में आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा स्लाइड ज़्यादा जाएगा और 75 के अराउंड 76 के अराउंड भी जा सकता है। डब्ल्यू बी में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 71.5
70 से 71 के बीच में आपका रहेगा। राजस्थान में देखा जाए तो 70 रहेगा आपका कट ऑफ, 70 से कम ही जाने का चांसेस है इस बार। और तेलंगाना में देखा जाए तो 65 और 66 ये रहने का चांसेस है। पंजाब में आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा और 75.25 से 75.75 तक आपका चांसेस है जाने का। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ ज़्यादा रहता है, और इसका रीज़न ये होता है कि आपका दिल्ली एक स्टूडेंट का हब होता है और ये हरियाणा से भी फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ का भी अच्छा खासा आपका कट ऑफ जाता है, 73 से 74 जाने का चांसेस है। गुजरात में आपका थोड़ा कम रहेगा और 60 से 61 जाएगा, ज़्यादा यहाँ नहीं जाएगा। और एक आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कट ऑफ आपका पता नहीं चल पाता है कि क्या एक्चुअली होगा, कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन इस बार का कट ऑफ आपका 72 के अराउंड रहेगा, राइट। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आपका 61 के आसपास कट ऑफ जाएगा, नॉट मोर देन 61, राइट माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश देन डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी 70 to 71, 70.25 से 70.50 तक भी यहाँ का कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोगों के पास एक ये फैक्टर बचता है कि अब अगर प्री आपका क्लियर होता है तो डेफिनेटली आपके पास जो जीए का सेक्शन है, जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन है, ये बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी जीए का सेक्शन स्टार्ट करूँगा एंड स्पेशली फॉर एसबीआई एंड आरबीआई, राइट, क्योंकि ये दो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम सब इन बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेज और जनरल अवेयरनेस के क्विजेज के सीरीज के साथ मिलते हैं। आप मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड डू नॉट वेट फॉर प्री आपका क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली मेंबर्स।